दिल्ली के अंदर भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है। आम आदमी पार्टी 4 सीट से और कांग्रेस 3 सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेगी। इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं एमएलए अजय महावर जी। अजय जी, गठबंधन हो चुका है और लगातार हमने देखा है कि कांग्रेस शुरू से ही आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं उसके विरोध में बोलती आई है और आज ये गठबंधन, आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है ये अनैतिक गठबंधन है और कुल मिलाकर अगर मैंने तो ये देखा कि एक दूसरे अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई है। दो भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी वो अपने अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे का दामन थाम रही हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का सारा स्पेस लिया। अगर हम देखें तो पॉलिटिकल मर्डर का अगर किसी ने किया कांग्रेस का तो आम आदमी पार्टी ने किया। आज वो अपने हत्यारे के साथ बैठी हुई है और अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ कांग्रेस के विरुद्ध करप्शन की लड़ाई लड़ते हुए, तो आज वो उसकी गोद में बैठा हुआ है, उनको वो भ्रष्टाचारी अच्छे लग रहे हैं। अभी अभी कुछ दिन पहले भी शीश महल घोटाले पर और शराब घोटाले पर आम आदमी पार्टी को घेर रही थी कांग्रेस, तो क्या आज इंडोर्स कर रही है कि वो भ्रष्टाचार ठीक हुआ है? और भ्रष्टाचार की जननी तो कांग्रेस वह रही ही है और यूपीए 2 में तो नई इबारत लिखी उन्होंने, रोज नए घोटाले होते थे। तो दो बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टियां एक दूसरे को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए एक दूसरे का सहारा भर ले रही हैं और केजरीवाल जी तो उनके वंशवाद पर भी आरोप लगाते थे, सोनिया गांधी पर, शीला दीक्षित पर, किसी को नहीं बख्शा उन्होंने। पर ठीक है, अब वो उदाहरण देंगे इधर का उधर का, पर ये चोर चोर मुसेरे भाई है और जैसा मैंने पहले कहा कि वो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए एक दूसरे से गलबाहियां कर रहे हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि हम 56% से ज्यादा वोट लेकर के पिछली 2019 में लोकसभा में आए थे यहाँ से, दिल्ली से, तो बट नेचुरल हमारी मार्जिन बहुत बड़ा है और मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व हमारे पास है, हमारी नेता नीति नियत सब साफ है। हमने एक तरफ प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने का काम किया है, दूसरी तरफ हमने देश की मान मर्यादा को विश्व की साख पर खड़ा किया है और तीसरा हमने गरीब कल्याण योजनाओं से गरीबों के लिए उत्थान का काम किया है। 25 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और महिलाओं का, किसानों का, सबका सम्मान करने का, सबका साथ सबका विकास किया मंत्र से काम करके मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व को पूरी दुनिया आज मान रही है और निश्चित रूप से भारतवासी इस राम भक्त, इस राष्ट्रभक्त सरकार को दोबारा तिबारा चुन करके लाएगी। लगातार आम आदमी पार्टी इल्जाम लगा रही है कि जो एलजी है वो उनको काम करने नहीं दे रहा है, जो फाइल है, जो जनता के हित की फाइलें उसको भी रोक दिया जाता है। अभी हाल ही में वो जो 1 टाइम सेटलमेंट बिल है पानी के, उनको लेकर जो फाइलें हैं उन पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि एलजी उन फाइलों को रोक के बैठे हुए हैं जिसमें जनता का ही भला हुआ है। देखिए, ये एक प्रोपेगेंडा है। हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। अगर आप एक डेंगू का मच्छर भी मार रही है तो 1-1 करोड़ का विज्ञापन दे रही है, देखो ये डेंगू का मच्छर हमने मारा है। जो आदमी 40,000 की दवाई पर कई करोड़ के विज्ञापन निकालता हो, कोरोना के टाइम में एक जापानी मशीन दिखाकर एक दिन के लिए करोड़ों का विज्ञापन निकालता हो, एक बाइक वाली जो एम्बुलेंस होती है एक दिखा करके एक दिन में और करोड़ों के विज्ञापन छपवाता हो, ऐसा आदमी ऐसी बातें ही करेगा कि क्रेडिट मेरा और डिस्क्रेडिट दूसरे का? ऐसा कभी होता है क्या? क्रेडिट आपका तो डिस्क्रेडिट भी आपका, और अगर क्रेडिट आपका नहीं है तो दूसरे का है तो डिस्क्रेडिट भी उसका है। तो मैं एक मच्छर मारूं तो उसकी पीठ थपथपाऊं खुद, और जो काम नहीं हो, कूड़े के पहाड़ नहीं हटे तो एलजी दोषी, अगर प्रदूषण दिल्ली का बहुत हाईएस्ट लेवल पर चल रहा है तो उसके लिए कोई और दोषी, केंद्र सरकार दोषी, कभी पड़ोसी राज्य दोषी, कभी बीजेपी दोषी, कभी कमिश्नर दोषी, कभी एलजी दोषी, यानी कि दूसरों पर दोषारोपण करना उनकी फितरत बन गई है। अपनी जिम्मेदारियों को वो ऑन नहीं करते हैं और इसीलिए वो ड्यूल रोल करते हैं, दोहरा चरित्र है उनका, कि कुछ अच्छा हो जाए तो देखो जी हमने शिक्षा में क्रांति कर दी, हमने स्वास्थ्य में क्रांति कर दी, तब भी तो यही एलजी थे, तब भी तो यही ऑफिसर थे, तो इसका मतलब तुमने नहीं की, उन ऑफिसर्स ने की, एलजी ने की, जिस पर आज आप दूसरे तरह का आरोप लगा रहे हो। तो मैंने कहा डिस्क्रेडिट और क्रेडिट दोनों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं चल सकता कि क्रेडिट का काम तो मैंने किया था और डिस्क्रेडिट का काम एलजी और अन्य अधिकारियों ने किया है, तो ये उनकी एक झूठ फरेब की राजनीति है।
अब ये भी कह रहे हैं कि सरकार बनने से पहले जल बोर्ड मुनाफे में थी, अब घाटे में है। अब देखिए ना, वो तो अपने मुंह पर खुली काली पोत रहे हैं ना जी। दिल्ली जल बोर्ड पर श्वेत पत्र लाने की हिम्मत हो तो अरविंद केजरीवाल लेकर के आए, सदन में बहस करें श्वेत पत्र पर, व्हाइट पेपर पर। मैं मांग करता हूं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, आप 75,000 करोड़ की लाइबिलिटी पर ले गए जल बोर्ड को, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, ऐसा कैसे चल सकता है? यही बात तो वो लोग पूछ रहे हैं। और कैद की रिपोर्ट क्यों नहीं रखी जा रही? 5 वर्ष से कैद की रिपोर्ट नहीं रखी जा रही। एलजी साहब ने भी कल कहा है, मैं मांग करता हूं अरविंद केजरीवाल तुम में हिम्मत है तो इस सदन में चलते हुए सदन में चाहे उसके कुछ दिन बढ़ाने पड़े आप कैग की रिपोर्ट। दरअसल क्या है, ये ध्यान असली मुद्दा है, ध्यान भटकाना। कैसे आबकारी नीति में हुए घोटाले और भ्रष्टाचार से ध्यान हटाएं, कैसे ईडी और सीबीआई की जो मजबूत पकड़ और जकड़ बन रही है उस पर विक्टिम कार्ड खेलें। तो इसीलिए इन्होंने ये इसमें महारत हासिल इनको और ट्रिक में कामयाब हुए। आप देखिए, शनिवार के दिन कभी भी हाउस नहीं चलता था, लेकिन जिस दिन कोर्ट में पेश होना था उस दिन शनिवार था, तो उस दिन उन्होंने कॉन्फिडेंस मोशन लोटस ऑपरेशन बता करके खुद ही स्टेब्लिश करके और कोर्ट से बचने का रास्ता। ये चोर रास्ते कब तक बचोगे? कायर अरविंद, डरपोक अरविंद, घमंडी अरविंद, अबव द लॉ समझने वाले अरविंद, क्या कहूं मैं उनको। अरविंद केजरीवाल डरपोक भी है, कायर भी है, भगोड़े भी हैं, घमंडी भी हैं और कानून से अपने आप को ऊपर समझने वाले। उन्हें ना देश पर भरोसा, ना संविधान पर भरोसा, न्यायाधीश पर भरोसा। तो इसलिए जिसको किसी पर भरोसा नहीं, एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री एक संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहा है, बार बार समन पर जा नहीं रहा है, तो ऐसा कैसे चलेगा साहब? प्रधानमंत्री जी जब कभी मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के, तब उन पर भी केस चले थे। वो चुपचाप बगैर ड्रामा के आते थे, अपनी बात रखते थे, साक्ष्य रखते थे। पाक साहब बाहर निकले ना जी, जब चोरी नहीं की तो डर किस बात का? तुम्हारी चोर की दाढ़ी में तिनका है, क्योंकि तुमने दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई के जेब का पैसा डाका डालने का पाप किया है और पाप तुम्हारा पीछा कर रहा है और ये पीछा छोड़ेगा नहीं। तुम्हारे कुकर्मों की सजा तुमको मिलकर रहेगी। तुम्हारा रास्ता तिहाड़ जेल की ओर जा रहा है, ये अरविंद केजरीवाल बखूबी जानता है। टाइम गेन खेल रहा है, टाइम गेन कब तक करेगा? कब तक भागोगे अरविंद केजरीवाल? ये कुकर्म तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये निश्चित है। आपने इल्जाम लगाया था कि तुगलकी फरमान जारी कर देते हैं स्पीकर साहब, तो लेकिन उसमें तो बात ये थी कि आप एलजी को ही बोलने नहीं दे रहे थे आप सब लोग। देखिए, हमने आदरणीय एलजी साहब का कोई अवमानना नहीं की और बड़ी साफ सी बात थी कि उन्होंने झूठ बोला। सरकार सदन में कहती है कि रोशन आरा का पार्क हमने बनाया, सरकार दिल्ली सरकार कह रही कि आईटीओ का टनल हमने बनाया, 1500 से 1600 इलेक्ट्रिक बसें हमने खरीदी, बदरपुर का पार्क हमने बनाया, 72 लाख लोगों को 5 किलो राशन मोदी जी दे रहे हैं, उसको भी वो अपना बताते हैं। तो इस झूठ को हमने उजागर करने के लिए एलजी साहब को पॉइंट आउट किया कि ये केंद्र सरकार की योजना है, टनल केंद्र सरकार ने बनाई है 1000 करोड़ की लागत से, 72 लाख लोगों को मोदी जी राशन दे रहे हैं 3 साल से, जब से कोरोना आया 3-4 साल से, और जितने भी काम हैं जो कि दिल्ली सरकार नहीं कर पा रही है केंद्र सरकार मदद से कर रही है। तो उस झूठ को उजागर करने के लिए हमने पॉइंट आउट किया, हमको उसी समय मार्शल आउट कर दिया गया। जब आपने नियम 277 के तहत शांति भंग के अवहेलना के कारण हमको बाहर कर दिया, हमें पर्याप्त सजा मिल गई। 30 मिनट्स के बाद रीअसेंबल होती है सदन, हम आकर बैठते हैं, 20 मिनट्स चलती है, कोई दिक्कत नहीं हुई। दूसरे दिन इनको सपना आया, इन्होंने तब भी हाउस स्टार्टिंग ठीक हुआ था, उसके बाद दिलीप पांडे जी मोशन लेके आते, हमने अवमानना की है। और कभी एथिक्स कमेटी को प्रपोजल एथिक्स कमेटी का देते हैं और सजा वो प्रिविलेज कमेटी में चलाते हैं। हम हाई कोर्ट गए हैं और मुझे न्यायालय पे पूरा भरोसा है, सोमवार को वर्डिक्ट आ जाएगा, 4 दिन से आर्ग्यूमेंट चल रही है और न्यायालय निश्चित रूप से, मुझे उम्मीद है कि जो भी न्याय होगा हम सिरोधारी करेंगे। लेकिन वहां पर एक ही सजा 2 बार नहीं दी जा सकती। दूसरी बात, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन लोगों ने हमारे साथ एक ऐसा बिहेव किया है कि हमको मौका ही नहीं दिया कुछ बोलने का।
हमारा हमारे से कुछ समझने की कोशिश ही नहीं करी, हमारी भावनाओं को। और हमने तो एलजी साहब को तो रिग्रेट कर भी लिया है, उन्होंने उसका रिप्लाई भी कर दिया है, उसको हमने सदन में कोर्ट में जमा भी करा दिया है। तो वो एलजी साहब को दिक्कत नहीं है, दिक्कत इनके पेट में है, क्योंकि ये चाहते हैं बजट सत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक उनकी क्रिटिसाइज ना करें, सदन में उन्हें रोके टोके नहीं, जनता की भावनाओं से उनको अवगत ना कराएं। वो हिटलर सहित तुगलकी फरमान से इस दिल्ली को चलाना चाहते हैं, जो चलेगी नहीं। आखिरी सवाल, इस गठबंधन से क्या लगता है कितनी सीट पे फर्क पड़ेगा? मुझे नहीं लगता इस पर कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम 56% से ऊपर ऑलरेडी अचीवर हैं, वोट पाया है हमने 2019 में। और मोदी जी का मैंने बताया करिश्माई नेतृत्व है, इनके सामने क्या है? कुछ भी नहीं है। आम आदमी पार्टी की पूरी लोकसभा 543 में एक सीट है अभी तक। कांग्रेस विपक्ष का दर्जा नहीं ले पाई, और मैं दावे से आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, कांग्रेस फिर भी विपक्ष का दर्जा नहीं ले पाएगी। उनके इंडी गठबंधन की साथी ममता बनर्जी कह रही हैं कि कांग्रेस 300 सीट पर लड़के 40 सीट नहीं जीत सकती। हम तो कहें तो कहें, वो उनके पार्टनर कह रहे हैं, तो कितना भरोसा उनके पार्टनर्स को उनके ऊपर है, ये भी एक हास्यास्पद है। दूसरी बात, नीचे के कार्यकर्ता जो इनके हैं वो एक दूसरे का सर फोड़ने के लिए आज ही तैयार हो गए। भरूच में अहमद पटेल की बेटी से आवाज आ गई है, उधर पंजाब में ये समझौता कर नहीं पा रहे हैं। तो ये मैंने क्या कहा, ये मजबूरी का अपना अस्तित्व बचाने का गठबंधन है, और मजबूरी के गठबंधन चला नहीं करते। मतलब सातों सीट आपकी है? सातों सीट हम जीतेंगे, और अच्छी खासी मार्जिन से, पिछली बार की ज्यादा की मार्जिन से जीतेंगे। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे एमएलए अजय महावर जी, इनका साफ तौर पे कहना है कि सातों की सातों सीटें बीजेपी जीत रही है। कैमरामैन समीर के साथ मैं आलोक, वी निशा न्यूज़ दिल्ली।